दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिना सीएससी आईडी से किस प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र बनाते हैं। बिल्कुल आसानी के साथ किसी भी लोगों का बिना सीएससी आईडी से आप लोगों का जीवन प्रमाण पत्र बना पाएंगे। और चाहिए दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र बनाने वक्त क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए और साथ ही इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप बिना सीएससी आईडी के जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउजर ओपन करना है और आपको सर्च बार में टाइप कर देना है जीवन प्रमाण। जैसे ही आप जीवन प्रमाण लिख करके सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से सबसे ऊपर में ही देख पा रहे हैं जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने न्यू टैब उभर के आ जाएगा जो की जीवन प्रमाण का कुछ इस प्रकार का वेबसाइट है। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद नॉर्मली आपको ध्यान देना है, सबसे ऊपर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 नंबर पे डाउनलोड वाला सेक्शन दिया गया है। नॉर्मली आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों डाउनलोड एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड उभरेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल करना है और डायरेक्ट यहाँ पे जो देख पा रहे हैं बोला जा रहा है इंटर ईमेल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कोई एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आई एग्री करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल लिया है, इसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख पा रहा है बोला जा रहा है प्लीज इंटर द ओटीपी रिसीव ऑन योर ईमेल आईडी इतना इतना। यानी कि दोस्तों जो भी ईमेल आईडी आपने डाला है उस पे एक ओटीपी गया है तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने ओटीपी डाल लिया है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है फॉर विंडोज ओएस के लिए अगर आप कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको इस पे क्लिक करना है। और अगर आप मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पहला लिंक है ये है एंड्रॉइड ऐप के लिए और यहाँ पे जो दूसरा है 3.6.3 वर्जन का जो यहाँ पे ऐप दिया गया है ये यहाँ पे फेस ऐप है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके फेस को स्कैन करके यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चूंकि दोस्तों हमें सिस्टम में बनानी है यानी कि लैपटॉप में, तो हम क्या करेंगे फॉर विंडोज वाला में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं डाउनलोड जीवन प्रमाण, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है डाउनलोड लिंक हैज बिन सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो अब हम ईमेल आईडी को ओपन करेंगे। हमारे ईमेल आईडी पे यहाँ पे जीवन प्रमाण का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक भेज दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ से ओके करने के बाद ईमेल को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाउनलोड लिंक लिखा हुआ है और साथ ही ईमेल पे भेज दिया गया है। ये जो लिंक आप देख पा रहे हैं नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पे फाइल लोकेशन को सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डाउनलोड हो गया है। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिप फाइल में बना हुआ है, नॉर्मली हम क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ पे हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख पा रहे हैं एक फाइल बन गया है जीवन प्रमाण का। नॉर्मली हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं 2 नंबर पे लिखा हुआ है जीवन प्रमाण इंस्टॉलर, इस पे हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम परमिशन को यस करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से हमें क्या करना है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बोला जा रहा है सेलेक्ट कंपोनेंट्स टू इंस्टॉल, यानी कि आपके सिस्टम में क्या इंस्टॉल है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे डू यू हैव मॉर्फो डिवाइस, तो हमारे पास मॉर्फो डिवाइस भी है तो हम क्या करेंगे इस पे टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और साथ ही इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद फिनिश पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऐप ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा इंतजार करना है और ध्यान रखना है कि फिनिश होने से पहले आपके सिस्टम से मॉर्फो या फिर मंत्रा जो भी डिवाइस है वो लगा हुआ होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीवन प्रमाण का सॉफ्टवेयर उभर के आ गया है। सबसे पहले बोला जा रहा है जीवन प्रमाण पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम के लिए आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेट करना होगा। यानी कि दोस्तों जो भी जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं जिन भी व्यक्तियों का, यानी कि जो भी बनाने वाले हैं, जैसा कि हम बनाएंगे किसी भी व्यक्ति का तो सबसे पहले हम खुद का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसा कि बोला जा रहा है आधार नंबर को सिलेक्ट करिए यानी कि आधार ऑप्शन को। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद एक ईमेल आई डी यहाँ पे डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने डाटा को फिल कर दिया है, इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी भेज दिया गया है। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पे डाल करके सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम ओटीपी डाल लेते हैं, इसके बाद ओके करेंगे। ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन में ऑपरेटर का नाम डालें। तो जो भी एप्लीकेंट है उनका नाम यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग डालना है, यानी कि सबसे पहले हम खुद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना नाम बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप डिक्लेरेशन देख पा रहे हैं इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करेंगे। तो आपके सिस्टम से जो भी डिवाइस लगा होगा उसमें लाइट जलेगा और आपको खुद का यहाँ पे अंगूठा सटा करके ऑथेंटिकेट करना होगा। तो चलिए हम बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं दोस्तों, लाइट जल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अंगूठा सटाएंगे। कैप्चर हो गया है, आपको थोड़ा इंतजार करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच 300, ये एरर आया है। नॉर्मली हम ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे, दूसरा अंगूठा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो चुका है, ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले आ रहा था ऑपरेटर का ऑथेंटिकेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं पेंशनर ऑथेंटिकेशन आ गया है। अब जिन भी व्यक्तियों का यहाँ पे आप जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे उनका यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है, साथ ही मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद अगर मान लीजिए उनके पास ईमेल आईडी है तो डाले, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, जो भी ओटीपी सामने वाले जो हितग्राही हैं उनके मोबाइल पे जो भी गिरा होगा वो ओटीपी यहाँ पे डाल के ओके पे क्लिक करेंगे। ओटीपी को हमने डाल लिया है, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख पा रहा है पेंशनर का डिटेल्स पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पेंशनर का नाम लिखेंगे, जो भी उनका नाम है, साथ ही बोला जा रहा है टाइप ऑफ पेंशन। तो इस पे क्लिक करके उनका किस प्रकार का यहाँ पे पेंशन उठ रहा है, क्या उनका जो पेंशन है वो ईपीएस से रिलेटेड है या फिर फैमिली से या फिर अदर या फिर कोई सर्विस करते हैं। तो चूंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उस क्राइटेरिया में यहाँ पे आपको नॉर्मली सर्विस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप में यहाँ पे क्लिक करके उनका जो सैंक्शन हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका जो पेंशन है वो सैंक्शन किया गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है सैंक्शन अथॉरिटी, तो इस पे क्लिक करके नॉर्मली यहाँ से सैंक्शन का अथॉरिटी जो भी इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डिसबर्सिंग एजेंसी में यहाँ पे क्लिक करके आपका जो पेंशन है उसका डिसबर्स कौन सा एजेंसी कर रहा है वो एजेंसी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और सारी दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मालूम आपको नहीं है तो नॉर्मली जो भी सामने वाले हितग्राही हैं उनके पास एक पेंशन का पासबुक होता है, तो उनसे आप वो पासबुक मांगे, बोले कि हमें पेंशन का पासबुक दीजिए, तो वो सामने वाले जो हितग्राही हैं वो अपना पेंशनधारी का पासबुक आपको देंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें यानी कि सैंक्शन अथॉरिटी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही यहाँ पे डिसबर्सिंग एजेंसी, इसके अलावा यहाँ पे PPO नंबर और साथ ही अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें उनके पेंशनर पासबुक में लिखा हुआ होता है। तो आप नॉर्मली सामने वाले ग्राहक से उनका पेंशन का पासबुक जरूर मांगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से PPO नंबर वाला पासबुक होता है, जो कि यहीं से आपको डाटा को यहाँ पे फीड करना है। इसके बाद एजेंसी का नाम यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, साथ ही PPO नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो कि पेंशनर के पासबुक पे होता है PPO नंबर, साथ ही उनका कौन से अकाउंट में पेंशन का पैसा आता है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने सारे डाटा को फिल कर लिया है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख पा रहा है बोला जा रहा है रीमैरिज डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आपने फिर से शादी किया है, यानी कि दोबारा आपने शादी किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। साथ ही बोला जा रहा है री एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यानी कि क्या आप फिर से कहीं अलग काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी डाटा आपने डाला है उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको नजर आएगा। नॉर्मली आप सारे डाटा को टैली कर ले कि जितने भी डाटा आपने डाला है क्या वो सही है या नहीं। इसके बाद डिक्लेरेशन को यहाँ से दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ से हम यस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बायोमेट्रिक स्कैन आ चुका है। नॉर्मली आपको क्या करना है, बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, साथ ही बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करेंगे और सामने वाले जो भी हितग्राही हैं उनको बोलेंगे कि फिंगर लगाइए। जैसे ही वो अपना अंगूठा लगाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे उनका जीवन प्रमाण कम्प्लीट हो जाएगा। तो जैसा की यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंगूठा सटाते ही इनका जो है जीवन प्रमाण पत्र बन चुका है। और साथ ही सामने वाले हितग्राही जो भी मोबाइल दिए थे यहाँ पे उनके मोबाइल पे इसका कंफर्मेशन चला जाता है कि आपका जीवन प्रमाण कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों खास तौर पे यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस बात को आप गौर से समझिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप उन लोगों का यहाँ से आप जीवन प्रमाण पत्र बना पाएंगे जो सरकारी सेवक हैं और वो रिटायर्ड हुए हैं और उनका पेंशन आ रहा है, तो उनका यहाँ पे आपको जीवन प्रमाण करना है। यहाँ पे ना ही आपको विकलांग पेंशन और ना ही विधवा पेंशन और ना ही यहाँ पे वृद्धा पेंशन का आपको जीवन प्रमाण पत्र बनानी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको जो भी सरकारी सेवक है उन्हीं का आपको यहाँ पे जीवन प्रमाण करनी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए।